नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हार्डकोर अपराधी विक्रम गुर्जर उर्फ लादेन पर गुरुवार सुबह बहरोड जिला हॉस्पिटल में फायरिंग हो गई। इस दौरान यहां अफरा तफरी मच गई। गोलियां लादेन को तो नहीं लगी, लेकिन यहां इलाज कराने आई दो बहनों के पैरों में गोली लगी है। सूत्रों के मुताबिक लादेन पर हमला करने तीन बदमाश आए थे। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने नाकाबंदी कराई है। जानकारी के अनुसार पुलिस विक्रम उर्फ लादेन को थाने से दोपहर करीब 12 बजे हॉस्पिटल लेकर आई थी। उसका मेडिकल कराने के बाद जब पुलिस वाले उसे लेकर निकल रहे थे, तभी वहां पहले से खड़े एक बदमाश ने पहले पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारा और पिस्टल कॉक करने लगा। इसी दौरान लादेन को शक हुआ तो वह सामने एक कमरे में जाकर छुप गया। भागते लादेन के ऊपर अलग अलग खड़े बदमाशों ने तीन राउंड फायरिंग की। हॉस्पिटल में जिस वक्त फायरिंग हुई, उस दौरान सैकड़ों की संख्या में मरीज थे। हॉस्पिटल स्टाफ का कहना है कि यहां काफी डर का माहौल है। हॉस्पिटल में जिस वक्त फायरिंग हुई, उस दौरान सैकड़ों की संख्या में मरीज थे। हॉस्पिटल स्टाफ का कहना है कि यहां काफी डर का माहौल है। गौरतलब है कि लादेन और पपला गुर्जर गैंग के बीच आपसी रंजिश है, इसलिए शक है कि फायरिंग करने वाले पपला के साथी हैं। फायरिंग के बाद बदमाश तेजी से भाग गए। बताया जा रहा है कि इनमें से एक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने पूरे शहर में और हरियाणा बॉर्डर पर नाकाबंदी करवाई, लेकिन उनका कोई सुराग हाथ नहीं लगा। विक्रम लादेन जो हार्डकोर क्रिमिनल है, उसको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लाया गया था। जाप्ता जो साफ था, नियमानुसार था, और जब इसका मेडिकल करा के वापस जा रहे थे, तो इसके विपक्षी गैंग का जो जिससे शुरू से खतरा था, हमने इसको आगाह भी कर रखा था, पुलिस को सुरक्षा भी बढ़ा रखी थी इसकी। उनके अभी तक जो सूचना है, उसके हिसाब से तीन अपराधी थे जिन्होंने अंदर आकर के उसमें फायरिंग की, और जो दो महिलाएं पास में बैठी हुई थी, उनके पंजे में और पाँव में गोली लगी है, जिनको मैंने अभी देखा भी है। दोनों सगी बहनें थी, वो दोनों खतरे से बाहर हैं, और क्रिमिनल है, उसकी कोई गोली नहीं लगी है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक क्रिमिनल को मैं हथियार के पकड़ लिया है, और बाकी को दोनों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उनके लिए भी तलाश जारी है, और हम इसकी पूरी तरह तक जाएंगे कि इसके षड्यंत्र के अंदर कौन शामिल है। सर, कितने राउंड तक की जो सूचना मिली है साहब, तो एक राउंड की सूचना है, अभी और सूचना अभी धीरे धीरे एकत्र की जा रही है। कौन खाए इलाके के रहने वाले हैं सर? बदमाशों का मुखबिर तंत्र बहुत ज्यादा कार्रवाई की गई, उसकी जो षड्यंत्र करता है उन तक भी हम पहुंचेंगे। तीन चार स्टाफ था, हथियार सहित थे, लेकिन पर इस अपराधी के जो विपक्षी गैंग है, यहाँ पर गैंग है जिसका कोई हत्या का मामला इस पे चल रहा था, तो ऐसा लगता है कि उन्हीं लोगों की तरफ से ये घटना कारित की गई। सर, जल्द आरोपी पकड़ लिया जाएगा? जल्दी पकड़ा जाएगा। आसपास के इलाकों में जहाँ गए उनके पीछे लग गए सर। अपराध हो रहे हैं, अपराध के खिलाफ हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, और अपराध रुके भी हैं। इस तरह के चैलेंजेस नहीं आते, उनके लिए हम तैयार हैं, और हम इसको चैलेंज को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, और हम इसमें कार्रवाई। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा।